नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करेंगे सीएससी आधार यूशियल सेंटर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी में से कई सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सीएससी से अगर जो है हमने आयरिस डिवाइस नहीं ली हुई है और हमने सीएससी यूशियल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हुआ है और उसके लिए कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है हमारी आयरिस डिवाइस का, और क्या अगर हमने आयरिस डिवाइस सीएससी से नहीं खरीदी तो क्या हमारा सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा, और भी बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कोई सवाल है तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से हमें लिख के जरूर बताइएगा। अभी आपके सवालों का जवाब देने के लिए सबसे पहले हम लिए चल रहे हैं आपको वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पर। यहाँ पर जाने के बाद आप सिंपली से न्यूज सेक्शन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने यूटीआई पैन के माध्यम से आधार सेंटर का जो नया अपडेट आया है उसके ऊपर लास्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दे दिया है यूटीआई आधार सेवा केंद्र अप्लाई ऑनलाइन के बारे में। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं कि क्या अगर हमने सीएससी के माध्यम से आयरिस डिवाइस नहीं खरीदा है तो क्या हमें सीएससी आधार सेंटर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएससी आधार यूसीएल सेंटर को जब भी एक्टिवेट करना होता है या जब भी किसी ऑपरेटर को आधार यूसीएल सेंटर को लॉगिन करना होता है तो वहाँ पे ऑपरेटर का आयरिस स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो ये आयरिस स्कैन के लिए आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत होती है, यानी कि आयरिस स्कैनर की ज़रूरत होती है, जो आप चाहो तो सीएससी से खरीद सकते हो या मार्केट से भी खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप सीएससी से खरीदो। सीएससी से खरीदने के पीछे रीज़न ये नहीं है कि आपने सीएससी से नहीं खरीदा तो आपका एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कोई आपको बोल रहा है तो वो आपको कुछ जो है बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सीएससी से खरीदने के लिए रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ और कैसे ये खरीदनी है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि सीएससी आधार यूसीएल में आपको लगानी है और सीएससी ने वही आयरिस डिवाइस वहाँ पे अवेलेबल करवा रखी है जो उस पर सपोर्ट करती है, और उसके लिए आपको फिर बाद में खरीदने के बाद ऐसा नहीं कि ये सपोर्ट नहीं कर रही या इसमें चल नहीं रही और उसके लिए ये लगेगी नहीं, इसकी दोबारा खरीदनी पड़ेगी, इस सब झंझट से आप मुक्ति पा जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आपको काम सीएससी के माध्यम से मिल रहा है और अगर आपको 10-20 रुपये ज़्यादा भी मिल रहा है तो सीएससी अगर आपसे आधार सेंटर के लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा है तो आपको सीएससी से ही खरीदना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप बाहर या ऑनलाइन मार्केट से खरीद लेते हो तो वहाँ पर जब भी आप मैपिंग के लिए जाते हो तो मे भी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपसे आयरिस का इनवाइस मांगा जा सकता है। ठीक है, हर वीएलई से नहीं मांगा जाता है और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर मांगा जाता है तो वहाँ पे आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर आपने कहीं और से खरीद रखा है आपके पास इनवाइस की दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपने सीएससी से ही खरीदा है तो वहाँ पे आप फट से वो चीज़ निकाल के उनको बता सकते हो कि सीएससी से ही खरीदा, और बाकी उनका सीरियल भी वैसे ही रहता है तो वहाँ पे आपको उसके मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, इस आयरिस डिवाइस को कैसे ऑर्डर कर सकते हो उसका भी यहाँ पे लिंक दे दिया, वो देख सकते हो। हालांकि आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाकर सिंपली से इसको अपना पोर्टल लॉगिन करिएगा आईडी पासवर्ड के साथ में, और वहाँ से जब भी आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपका जो सर्च बॉक्स आता है आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में, वहाँ पे जाके आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा IRCTC, और इतना सर्च करने के बाद आपको IRCTC रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके आपको इस तरीके का एक पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक डिवाइस ऑर्डर वाले पे जाना है, और जाके फिर आपको बायोमेट्रिक डिवाइस एंड प्रिंटर ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो एक पेज आएगा जहाँ से ये सीएससी का आयरिस डिवाइस खरीदने का लिंक आ जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप ये वाला आयरिस डिवाइस ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से ये चीज़ आपको ऑर्डर करनी है, वो मैंने आपको बता दी। अभी बात करते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि केवल 20,000 लोगों को ही सीएससी से माध्यम से आधार का सेंटर मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर कर देना चाहता हूँ, सीएससी के दिनेश त्यागी सर ने भी पहले बोल रखा है कई बार ये चीज़ कि जितने भी सीएससी वैली हैं सभी को बैंक बीसी बनाया जाएगा और उसके बाद सभी को यूसीएल सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो 20,000 नंबर्स हैं ये आपको जैसे कि पता होगा कि 2019 में सीएससी को आधार यूसीएल सेंटर के रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल मिला था, उस समय सीएससी के जितने बैंक बीसी थे उसके अकॉर्डिंग ये नंबर्स दिए गए थे। ठीक है, जिसमें से अभी लगभग 4,000 से 5,000 लोगों का ही आधार सेंटर खुल पाया है, बाकी लोग अभी वैकेंट है। तो जब तक ये 20,000 नहीं खुल जाते तब तक सीएससी कैसे और लोगों के सेंटर खोलने की परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ये 20,000 भर भी जाते हैं तो अभी जितने भी एक्टिव सीएससी वीएलई बैंक बीसी हैं सीएससी इकोसिस्टम में,
उनकी संख्या के अकॉर्डिंग यूआईडी की तरफ से टारगेट अलॉट किया जाएगा और वहां पे जितने भी सेंटर्स होंगे उन सभी को सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल की सर्विस दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आपको अगर कोई बरगला रहा है या आपको ऐसे कोई बोल रहा है कि इनको नहीं मिलेगा या जल्दी करो इतना पैसा लगेगा, तो वहां पे उसको जो है छोड़ के भाग जाओ। और वो बहुत ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है आपको पैसे लेने के चक्कर में, आपको जो है डराने की कोशिश कर रहा है जिससे आप जो है पैनिक होकर जल्दी जल्दी कुछ एक्शन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आधार के मामले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना है। और बहुत ज़्यादा आप भाग दौड़ बार बार किसी को फ़ोन करने या सभी को अपना सब कुछ डाटा मेल करने के लिए, कई लोगों ने बताया मुझे, कई लोगों ने बोला है कि मुझे DMDC और स्टेट टीम को अपना डाटा सब कुछ मेल करो, सबको एक मेल में लगा के करो, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। CSC आधार यूसीएल सेंटर के लिए जो जो चीज़ें होती हैं आपने अप्लाई कर दिया है, वहाँ से लिंक वगैरह पर स्टैटिक IP वगैरह अपडेट कर दिया है, फिर आपको वेट करना है जब आपका स्टैटिक IP व्हाइट लिस्ट हो जाएगा, क्रेडेंशियल बन जाएगा, फिर आपको UID या CSC की तरफ से आपको खुद ही कॉल आ जाएगा CSC UID टीम की तरफ से कि आपका ये हो गया है, आपको ये चीज़ सबमिट करनी है, इस तरीके से अनबोर्डिंग करनी है, मोबाइल या ईमेल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको डेली फ़ोन करने की या किसी को बार बार मेल करने की ज़रूरत नहीं है, इससे एम्प्लॉयज़ के ऊपर या जो CSC के कर्मचारी हैं उनके कामकाज में भी बाधा आती है। मान लीजिए आपके ईमेल में डेली अगर 500-400 ईमेल डेली का आ जाता है जिसमें सभी लोग यही पूछते हैं मेरा सेंटर चालू हुआ नहीं चालू हुआ, तो आप कितने ईमेल देख पाएंगे, तो मे भी वो ईमेल्स अनदेखे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी रिक्वायर्ड हो तभी CSC एम्प्लॉयज़ के साथ में कम्युनिकेट करें, और यहाँ पे आपको किसी को बहुत ज़्यादा मेल करने फ़ोन करने कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अप्लाई कर दिया फॉर्म, CSC की टीम उस पर वर्क कर रही है, और UID रीजनल ऑफिस की तरफ से ही लेट लग रही, क्रेडेंशियल वगैरह नहीं बन पा रही, जैसे बन जाएगी फिर आपको CSC की तरफ से कॉल आ जाएगी या SMS आ जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ दोस्तों का 2019 में जिन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था अभी शायद एक्सपायर होने वाला है, तो आप सभी को बता देते हैं दोस्तों कि आपने जो भी पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई किया था मे बी वो अभी एक्सपायर होने वाला हो या अभी ना हुआ हो, फिर भी आप एक नए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और 1-1.5-2 महीने में वो आ जाता है। तो तब तक अगर आपका एप्लीकेशन इस वजह से अटकता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन एक्सपायर हो गया है, तो आप नया वाला सबमिट कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सवाल है तो VLE सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।